पीछे से निकालें, उसमें उसमें क्या देखा मैंने, उसमें लोहा देखा है, उसमें तांबा देखा है, उसमें सोना देखा है और उसमें सिल्वर देखा है। अल्लाह ताला ने जो ये आज यहाँ पे डिस्कवरी दी है, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अब जो है कशकोल जो है वो उसको तोड़ने का हमने फैसला किया, लेकिन वो उसको बाकायदा तोड़ के ऊपर किसी नकल टेलीविजन की एक अपना तकरीब करेंगे उसमें हम अपना सहाफियों को भी बुलाएंगे, पब्लिक को भी बुलाएंगे और एक दफ़ा ऊपर से कशकोल को नीचे फेंक देंगे ताकि आइंदा कभी कशकोल इस्तेमाल करने की नौबत ना आए। कशकोल लेकर दुनिया के पास जाते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, इन्होंने कौम को भिखारी बना दिया है। मुझे ये कबूल नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम भिखारी नहीं है। हम पाकिस्तान को एक बाइज़त बातौकीर मुल्क बनाएंगे, दुनिया की पहली इक्तसादी कुव्वत भी पाकिस्तान को हम बनाएंगे। हुकूमत ने तारीख का बड़ा कर्जा ले लिया, पाकिस्तान ने 2 अरब 50 करोड़ डॉलर्स के बॉन्ड्स जारी कर दिए। हुकूमत के माली मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है, मजीद नए कर्जे लिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुकदमात में घिरे सागडार से कर्जों के लिए मुज़ाकरात का इख्तियार वापस ले लिया है। वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास में शिरकत के लिए वजीर खजाना के बजाय वजीर दाखिला अमरीका चले गए। स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर के आखिरी हफ्ते के दौरान कर्ज वापस करने और दूसरे बजट अखराजात पूरे करने के लिए हुकूमत की तरफ से बैंकिंग सेक्टर से मजीद 44 अरब 40 लाख रुपए के नए कर्जे लिए गए, जिससे रवां साल के दौरान जुलाई से अक्टूबर के अख्तिताम तक अखराजात के लिए बैंकों से लिए गए कर्ज का हजम 4 खरब 21 अरब 46 करोड़ रुपए तक जा पहुँचा। रवा माली साल अब तक हुकूमत की तरफ से मरकजी बैंक से 2 खरब 32 अरब 13 करोड़ रुपए जबकि कमर्शियल बैंक से 1 खरब 85 अरब 35 करोड़ रुपए कर्ज लिया जा चुका है।